दरअसल क्या है ये पूरा मामला, ये देखिए इस रिपोर्ट में। 30 अक्टूबर 2020। के का बेटा है? बिना राय का बेटा है। ठीक है, कहला कौन खुशी में मारो, कौन चीज कर लिया तू? यहाँ पे खड़ा रहो ना तो बोलो कि यहाँ पे खड़ा ना रहे, फालतू फालतू बात बोलो। हाँ, 15 दिन बाद खामोश हो गई पीड़ित। 15 दिन तक झुलसते जख्मों का दर्द सहने के बाद हाजीपुर की पीड़ित दुनिया को अलविदा कह गई। गुनाह यही था कि इसने गांव के दबंगों की गलत हरकतों का विरोध किया था। परिवार के मुताबिक 3 लड़कों ने उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। के का बेटा है? बिना राय का बेटा है। ठीक है, रोड खरीद के है। ठीक है, अब रोड खरीद के हम बोले की रोड खरीद लेते हैं, अड्डाबाजी ना खरीद देता हूँ। पंद्रह दिन बाद भी सभी आरोपी फरार। घटना के दिन से अस्पताल और पुलिस का चक्कर काट रहे पीड़ित परिवार के सब्र का बांध टूट पड़ा जब बेटी का शव गांव लौटा। पुलिस की मौजूदगी में देर रात पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कराया गया। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब भी आरोपियों से धमकियां मिल रही हैं। मेरी दीदी के साथ छेड़खानी हो रहा है, मेरी दीदी ने इंतकाल कर गई तो 17 दिनों के बाद पुलिस आया तो वो धमका रहा है हमको कि प्रमोद राय हमको धमका रहा है कि पुलिस आया अब तुमको हम जला दिया, वैसे ही जला दिया जाएगा, अब तुम पे ही किया जाएगा वायरल, अब तुम क्या कर सकती हो, अब हमको धमकाया जाए, अब हम पे पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहा, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। अच्छा अच्छा, जैसे कि जो दीदी के साथ जो घटना किया, क्या उन लोग आप लोग को भी फिर? जी, धमका रहा है कि अब उसी तरह अब तुमको भी जला दिया जाएगा, अभी क्या हुआ, अभी तो और भी कुछ होगा। उधर आरोपी के घर वालों का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। विवाद मौत के कारण हम लोग को कोई पता नहीं चल रहा है, हम लोग को खुद चल रहा है कि हमको फंसाया जा रहा है, कौन कारण फंसाया जा रहा है वो भी अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो बच्चा का नाम लिया जा रहा है वो खुद नहीं है, वहाँ पर खुद लोकल लोग कह रहा है कि अपने से आग लगाई, ये वो बच्चा कहा कि एक बार मैं वो आग लगाई, हम खुद मुझाए, वो अपने खुद मुझाया है। पुलिस पर इस मामले में लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद एक SHO को निलंबित कर दिया गया है। संदीप आनंद, हाजीपुर आज तक। और सीधे चलते हैं पटना, हमारे संवाददाता सुजीत झा हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, एक तरफ कल ही नीतीश कुमार की सरकार बनी है, दूसरी तरफ आज पहली बार कैबिनेट की बैठक हो रही है, अब हाजीपुर का ये जो मसला है उसको लेकर सीधे सीधे राहुल गांधी ने ये आरोप लगा दिया है कि ये पूरे मामले को साजिशन दबाया गया, पहले का मामला था सिर्फ चुनाव के मद्देनजर सब कुछ दबा दिया गया है। बिल्कुल श्वेता, 30 अक्टूबर की ये घटना है और लड़की की मौत कल हुई है, कल सुबह PMCH पटना में। तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने, हालांकि FIR दर्ज किया था, लेकिन एक्यूज फरार थे। अब एक एक्यूज की गिरफ्तारी हुई है, चंदन यादव नाम है उसका, सतीश और विनय यादव अभी भी फरार चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस की लापरवाही स्पष्ट तौर पर उस पर नजर आ रही है, और हालांकि वहां के SP से हमारी बातचीत हुई है, SIT टीम का गठन किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो भी इस मामले के आरोपी हैं, दो और अन्य बचे हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा SP का कहना है। यह उप मुख्यमंत्री बनी रेणु देवी ने भी कहा है कि इस मामले में जल्दी कार्रवाई सरकार करेगी, और चूंकि चुनाव के बीच में ये घटना हुई थी 30 अक्टूबर
अक्टूबर को निश्चित तौर पर इसे दबाने का प्रयास किया गया। चुनाव के शोर में ये जो घटना है ये दब गई थी, लेकिन अब सरकार ने कमान संभाल लिया है और आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई। हालांकि ये मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बैठक होगी कैबिनेट की जिसमें पोर्टफोलियो नहीं बटा था। मंत्रियों को ये पता नहीं है कि उनके पास कौन सा विभाग है और अभी तक आधिकारिक रूप से कोई इसकी घोषणा नहीं की गई है, तो निश्चित रूप से ये एक पहली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।